दोस्त आरआरबी एलपी सीबीटी वन कट ऑफ पार्ट 6 ऑन स्टूडेंट कमेंट डिमांड आफ्टर रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की। तो यहाँ कह सकते हैं आंसर की के बाद का कट ऑफ क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, एक बहुत लोगों को नहीं पता है। और सबसे बड़ा ये सवाल है, 90% स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि अब इतने होने के बाद घटेगा कट ऑफ या बढ़ेगा। तो मेरा यहाँ ये रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो में देख रहे हैं तब तक ये भूल जाइएगा कि हमारा आंसर शीट में क्या हुआ। कॉमन के परस्पेक्टिव में बात करेंगे तो सारी टॉपिक आपको वन बाय वन दिखेगा, और सारा हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको किसी तरह से टेक्निकल चीज को बताया जाए जो रेलवे का प्रोसेस है, इंडिविजुअल नहीं, कॉमन के टर्म में। के बाद अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब चार बातें पे डिपेंड करेगा कट ऑफ। पहला है स्टूडेंट स्कोर, कितने लोगों ने स्कोर किया है उस पे बात करेंगे। दूसरा होता है रॉन्ग आंसर, रेलवे का जो आंसर रिस्पॉन्स शीट है उसमें बहुत सारे रॉन्ग आंसर है। तीसरा फैक्टर यहाँ पे है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन में भी अंतर पड़ेगा। और चौथा है कि आरआरबी सिलेक्शन, कितने लोग आरआरबी सिलेक्ट किए हैं उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे टॉपिक हम वीडियो में कवर करेंगे। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले हम कट ऑफ का घटने या बढ़ने के बाद में हम टर्म करेंगे, तो सबसे पहले हमारा कंडीशन आता है स्टूडेंट स्कोर। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनेशन हो चुका है सीबीटी वन जिसे बोलेंगे, उसके बाद दूसरा कंडीशन था आपका आंसर या रिस्पॉन्स की, ये भी आ चुका है। तो इसके अनुसार से जो आंसर है उसमें सबसे पहले कंडीशन में लोगों को मिल रहा है लोएस्ट, हमें जिससे बात हुआ है जितने कैंडिडेट से करीब हमें लोगों से संपर्क में हुआ है जितने में सबसे कम आया है 20 और मैक्सिमम आया है 53। हो सकता है इससे ज़्यादा या कम भी किसी का आ सकता है, यहाँ हम क्लोज माइंड होके नहीं चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर जो है जो जनरल थे मतलब पढ़ने में अच्छे या कह सकते हैं कॉमन स्टूडेंट, उनका नंबर 30 और 40 के बीच में है। तो 30 और 40 को अगर आप जोड़ देंगे तो ये आता है 70, और 70 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 35। अगर हम मान के ये चले कि 35 एवरेज स्कोर है सभी का, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे स्कोर जनरल लोअर कट ऑफ के लिए होता है सभी कैटेगरियों में। तो जनरली इसको लोअर कट ऑफ की टर्म में हम बात करेंगे, तो लोअर हम मानेंगे तो 30 हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे 35 पे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा और मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक था रॉन्ग आंसर, जिसमें आपने आंसर की देख रखे होंगे या रिस्पॉन्स शीट का आंसर देख रखे होंगे सबने। तो कम से कम 3 प्रश्न एवरेज मेरे हिसाब से हर शिफ्टों में गलत है, जिसका आंसर गलत दिया गया है जबकि उसका ऑप्शन अवेलेबल है उसमें। तो इसे एनालिसिस करेंगे कट ऑफ टर्म के लिए, तो दो चीज होगा, अगर ये आंसर 3 प्रश्न का रॉन्ग है तो या तो इसे करेक्ट किया जाएगा जब दूसरा टाइम में आफ्टर ऑब्जेक्शन जब आएगा आपके पास आंसर शीट उसमें आएगा, और उसके बाद या तो डिलीट किया जाएगा, दो ही कंडीशन है। तो अगर करेक्शन करते हैं तो क्या होगा, ऑल स्टूडेंट जो क्वेश्चन को सही किए हैं उनको मार्क्स मिलेगा, नंबर मिलेगा, तो क्या होगा, एवरेज मार्क्स बढ़ना ही है। और एवरेज मार्क मरेगा तो पहले आपका ओरिजिनल 35 था जो हमने पहले इससे पहले देख रखे हैं, और 3 मार्क्स रॉन्ग के नंबर राइट में बदल गए तो टोटल मार्क्स आपके 38 हो जाएगा, यानी कट ऑफ के लिए यहाँ भी ये 3 नंबर आपको ऊपर बढ़ाएगा। उसके बाद अगर उसे डिलीट किया जाता है, उस 3 नंबर जो गलत थे उसको रेलवे अगर डिलीट कर देता है, तो सभी स्टूडेंट जितने स्टूडेंट उस शिफ्ट में भाग लिए थे उनको 3 नंबर ये दे दिया जाएगा, और वो 3 नंबर ओरिजिनल में उनके नंबर में जुड़ जाएंगे, जिसके कारण से उनका भी नंबर 38 हो जाएगा। और यहाँ किसी का अगर 2 रहेगा तो 2 बढ़ेगा, 1 रहेगा तो 1 बढ़ेगा, और 3 सही किया है उसने तो 3 सही मिलेगा, और नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो नहीं मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया या नहीं किया, ध्यान दे सकते हैं दोनों कंडीशन में उनको मार्क्स मिलेगा,
अगर अटेम्प्ट किया तभी मिलेगा, नहीं किया तभी मिलेगा, तो दोनों कंडीशन में मिलेगा। उसके बाद अगली टॉपिक है, तीसरा यहाँ टॉपिक था नॉर्मलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे तो मानकीकरण बोलते हैं, और कई लोग इसे कहते हैं कि मानकीकरण हिंदी में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, तो इसे नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं यहाँ लिख रखा हूँ, लेकिन इसको मैं और थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला है एवरेज इन ऑल शिफ्ट एंड 1% स्टूडेंट, जितने भी एग्जाम हुए हैं यहाँ पे टर्म में, हमने 30 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसमें से सबसे ज़्यादा 1% स्टूडेंट जितना मार्क्स लाए हैं उसका एवरेज निकाला जाएगा। और उसके बाद एवरेज और आपके शिफ्ट में, आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं उसको, उससे डिवाइड डायरेक्टली नहीं होगा, प्लस में आपको यहाँ पे एवरेज टोटल जितने भी शिफ्ट हो ऑल शिफ्ट का एवरेज से माइनस किया जाएगा, साथ में एवरेज एंड शिफ्ट आपके शिफ्ट, ऊपर में कहें तो टोटल है और नीचे में अगर कहें तो आपका आपका शिफ्ट है। मान लीजिए आपका शिफ्ट 31 अगस्त का था, तो नीचे वाला टर्म आपका 31 अगस्त के लिए यूज होगा और ऊपर वाले टर्म टोटल के लिए होंगे। तो इसे अगर ब्रैकेट बंद करते हैं, दूसरी कंडीशन आती है यहाँ स्टूडेंट का मार्क्स, जैसे आपने कहा कि हमारा 30 है और एक कोई विद्यार्थी बोल रहा है कि मेरा 35 है, कोई कहता है कि एवरेज इन शिफ्ट, कहता नहीं है एवरेज इन शिफ्ट, तो एवरेज इन शिफ्ट यहाँ पे 15 वाले नंबर सम्मिलित भी होंगे और जिनका 60 भी आया होगा वो भी सम्मिलित होके एक में एवरेज बनेगी जो जनरली कम होती है, और एवरेज इन टोटल एग्जामिनेशन। तो यहाँ मानकीकरण का कहने के मतलब हमारा है कि कट ऑफ कैसे इससे बढ़ेगा, इसके बारे में आप समझिए कि जो स्टूडेंट कम लाया है, ध्यान दीजिएगा, जिसका नंबर कम आया है उसका एवरेज के टर्म में यहाँ अगर जुड़ेगा, यहाँ देखिए जोड़ है, तो उसका नंबर कम से ज्यादा होगा। नॉर्मलाइजेशन का यही बेनिफिट है। उसके बाद अगर किसी का हार्ड या कठिन पेपर आया तो वहाँ एवरेज वाले नंबर जो ज़्यादा किए हैं और एवरेज इन शिफ्ट में किए हैं ये टर्म कम हो जाएगा, तभी ज़्यादा जिनका नंबर है उनका नंबर, सॉरी, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन होने से क्या कर सकते हैं, अब हमारे टर्म में करें अगर इंसर सीट की बात करें तो यहाँ हम देख रहे थे कि 38 नंबर आ रहा है, यहाँ 38, 33 भी आएगा 30 वाले के लिए, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 38 वाले का एक या दो नंबर या चार नंबर बढ़ सकता है, लेकिन जो 33 पे है उनका सीधा इससे दुगना बढ़ जाएगा, 2, 4, 6 के टर्म में बढ़ेगा, और हो सकता है 20 वाले जिनका नंबर आया होगा उनका नंबर 5, 6, 8 इस टर्म में बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ज़्यादा जिसका स्कोर होगा उसका लगभग उसी के आसपास रह जाता है नंबर, और जितना जिसका कम होगा उसका ज़्यादा ऊपर होगा। ध्यान दीजिए इस टर्म से क्या होगा, अब कह सकते हैं अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जो स्टूडेंट कम नंबर यहाँ पे ला रहे थे उनका नंबर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी बढ़ेगा 20 से, अगर वो 25 पे पहुंच जाते हैं, 25 वाले 30 पे पहुंच जाते हैं, 30 वाले 35 पे पहुंच जाते हैं, और 35 वाले मान सकते हैं 40 पे पहुंच गए, तो क्या होगा कट ऑफ आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बढ़ेगा। लेकिन आपको सभी चैनल पे कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्स शिफ्ट में कम नंबर आ रहा है तो कट ऑफ घटेगा, तो ध्यान ही दीजिए कट ऑफ घटना नहीं है, बढ़ना है, लेकिन आपका साथ साथ आपका नंबर भी बढ़ेगा, आपने जो नंबर लाया है वो बढ़ेगा, यानी आपको कट ऑफ बढ़ेगा। तो चलते हैं चौथे पॉइंट पे, चौथा कट ऑफ बढ़ने का कारण यहाँ पे था, मैं बढ़ने की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बढ़ेगा ही, ये क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपने देख लिया। तो यहाँ पे RRB एंड पोस्ट सिलेक्शन, आप जैसे RRB आपको 21 है तो ये 21 RRB सेलेक्ट करना है, अगर इसमें 75 या से ज़्यादा जोन है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार, वो अपने आप आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे 3 पोस्ट भी है, ALP अगर ब्रॉड वेज में कहें
टेक्नीशियन, टेक्नीशियन भी सारे आईटीआई का अलग अलग डिफरेंट 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 है। उसके बाद 10+2 टीसीएम टेक्नीशियन। तो ये तीनों बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो देख सकते हैं किसी आरआरबी में मान सकते हैं कि कैंडिडेट की संख्या मैक्सिमम हो सकती है और किसी में कैंडिडेट की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो वहाँ कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगा, बढ़ेगा, और जहाँ पे थोड़ी कम रहेगी वहाँ पे एवरेज थोड़ा कम आएगा। तो इसलिए इसका मार्क्स आपको नंबर की टर्म में बात करेंगे तो हम एवरेज बात करेंगे। तो यहाँ आरआरबी फोर्थ सिलेक्शन में हम एक जनरल कट ऑफ, हमारा ये पार्ट 6 है, और आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वहाँ देख सकते हैं मैंने पिछले जितने भी पांचों बार वीडियो बनाया था उसमें कट ऑफ लगभग ±1-2 यही में होगा, देख सकते हैं आप पूरी तरह से। जबकि मैंने एक कट ऑफ ये आपसे 1 महीने पहले बना दिया था कि ये कट ऑफ रहेगा, क्योंकि हर बार का जो पैटर्न होता है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, वो सिलेबस केवल चेंज हुआ है और सीबीटी का थोड़ा रेफरेंस रहेगा। तो यहाँ देखिए 3 कट ऑफ है और यहाँ पे हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का हमने सिंपल वे में रखा है कि सभी पोस्टों में सभी कैटेगरी में 5 नंबर कम रहेगा। जो आपका कैटेगरी और जेन अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी में उनका 5 नंबर लगभग कम रहता है, तो पीडब्ल्यूडी का यहाँ खत्म हो जाता है। तो हम जनरल में बात करेंगे जिसका यूआर है, यहाँ पे सबसे पहले एएलपी का कट ऑफ है, दूसरे में टेक्नीशियन का कट ऑफ है और तीसरे में 10+2 वाले के लिए कट ऑफ है। तो एएलपी में हमारा ±2 रख सकते हैं, इस नंबर से ±2 हो सकता है। टेक्नीशियन में ±3 हो सकता है, लेकिन पीसीएम में हमेशा +5 रखिएगा, हो सकता है किसी बोर्ड में बहुत ज़्यादा हो जाए, हो सकता है 45 के बदले 50 भी हो सकता है या 45 भी रह सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यूआर के लिए हमारे तरफ से वही कटअप जो पुराना वीडियो में है, 38 से 42, ओबीसी के लिए 36 से 40, और एएलपी के लिए है और 32 से 35, 30 से 35, एसटी के लिए, टेक्नीशियन में 42 से 46, 40 से 46 ओबीसी के लिए, 38 से 40 आपका एससी के लिए, 35 से 40 आपका एसटी के लिए। उसी तरह 10+ पीसीएम वाले बात करेंगे तो 45 से 52, 45 से 52 दोबारा, 40 से 46 एसी के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए 38 से 44 रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये नंबर आपका ओरिजिनल एग्जाम मार्क्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कई लोग कह देंगे कि इतना नंबर तो किसी का आया ही नहीं और इतना कटअप कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए जो मैंने 4 पार्ट आपको बताया था, स्टूडेंट का स्कोर जो लोअर है उसको स्कोर, दूसरा आपका रॉन्ग आंसर का नंबर जुड़ेगा वो, और तीसरा आपको जो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट होगा उसको भी आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका नंबर इंक्रीज करेगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये फाइनल कट ऑफ है आपका, फाइनल स्कोर के बाद आप केवल आंसर की नहीं देखना है। तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर की में कम नंबर आने से भी आपका कट ऑफ कम नहीं होगा, लगभग बढ़ेगा ही, क्योंकि आपको मार्क्स मिलेगा रॉन्ग आंसर का, आपको मार्क्स मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल कट ऑफ लगभग ये रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।